वेलकम बैक ब्लॉगिंग विद मंजेश। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और बड़े दिनों के बाद एक तो हमें नेक्सॉन में जो बैठने को मिला है, सनरूफ और सनरूफ से बाहर निकला और नेक्सॉन में बैठकर जमुई में आए थे। जमुई का मुंगेर जिला जो कि पहाड़ी से घिरा हुआ है, तो इस पहाड़ी के एरिया में और यहाँ पर भीम बांध है, वहाँ पर देखने आए हैं। तो भीम बांध का क्या व्यू है दिखाता हूँ। गाइस फाइनली ये था एक कुंड जहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा होता है और ये कुछ पीछे का व्यू जहाँ से गर्म पानी आता है। कहा जाता है कि आज तक पता नहीं लगा पाए कि ये पानी आता कहाँ से गर्म कुंड में, मतलब ये जितना भी पानी आगे आपने देखा लगा हुआ है पोखर के टाइप का, ये कहाँ से आता है अब तक नहीं पता लगा। और बस कहा जाता है ये भीम बांध के नाम से इस जगह को जाना जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक भीम थे जो पांडव पुत्र थे उनके साथ जुड़ा हुआ है। और शायद मुझे कभी कभी लगता है कि ये शायद हिडिंबा जो उनकी पत्नी थी, जो राक्षसी थी जिनसे शादी हुआ था, शायद उन्हीं का गढ़ रहा होगा। क्योंकि हाल फिलहाल तक लगभग 19 के दशक तक यहाँ पे कहा जाता है कि नक्सली, मतलब एक जानवर प्रवृत्ति जो जंगली टाइप के या आदिवासी टाइप के लोग होते हैं वो यहाँ रहा करते थे और किसी को भी मारना लूटना खाना, जंगली जानवर को खाना मारना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। तो हो सकता है ये वही जगह हो जहाँ पे हिडिंबा रहा करती थी और घतोरकच रहा करते थे, हो सकता है वो जगह हो। लेकिन एक ऊपर से जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने देख सकते हो क्योंकि जब यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं तो यहाँ से वो खड़े होकर देखते हैं, व्यू देखते हैं, मतलब यहाँ का लुत्फ़ उठाते हैं नेचर का, इसलिए बनाया गया। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ क्या व्यू है यहाँ का। भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे और क्या करूँ, मैं थोड़ा सा आकर कपड़े वपड़े चेंज करके मेरा सिर उठने लग गया था। पता है क्या, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि गर्म पानी की वजह से ना सारे कपड़े भीग गए, यहाँ तक अंडरवियर तक भीग गया यार, इतनी गर्मी। और फिर मैं आते हुए नहाया पहले और सिर्फ मैं तेल लगाया, पता नहीं मुझे मतलब इतनी एकदम से गर्मी शायद शरीर में हानिकारक है मुझे लग रहा है, तो मुझे सोना पड़ेगा। कुछ खास तो था नहीं वहाँ पे, हाँ उस चीज़ को डेवलप किया जाए तो काफ़ी खूबसूरत बनाया जा सकता है, जिस पे कि ध्यान नहीं है बिहार सरकार का और ऑब्वियसली वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती, तो खैर जाने लोग बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, वो हमारे काम नहीं है। लेकिन ठीक ठाक सा मज़ा आया, कुछ अच्छा मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, हेल्थ के लिए अगर डेली बेसिस पे वो वहाँ के नेचर, वहाँ के इन्वायरमेंट में इंसान रहे, अगर मतलब वीकली भी या मंथली भी एक बार जाकर वहाँ पर हम आधा एक घंटा दो घंटा चार घंटा समय निकालें तो वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जो वहाँ पर पसीना होता है आपको लगेगा नहीं कि आपको गर्मी लग रही है, पर पसीना बहुत ज़्यादा होता है। और फिर इसी हिसाब से मतलब मज़ा तो बहुत आ रहा था, पर कपड़े जब भीग गए, पसीने निकलते और बहुत अंदर तक कपड़े भीग गए तो फिर ज़्यादा बुरा लगा, इसलिए आना पड़ा। और खैर हमारे पास समय भी बहुत कम था, अंधेरा मतलब शाम को गए थे 4-5 बजे, तो अंधेरा मतलब जल्दी हो गया। खैर इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, टेक केयर, बाय।